विजिबल है। सर। ठीक है। एन डेफिशिएंट का फाइव नेम रिएक्शन पहले देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप लोग को बताया था। अच्छा, कार्बिन नाइट्रिन पढ़ा चुका हूँ ना मैं, कार्बिन नाइट्रिन तो पढ़ा चुका हूँ। यस सर ठीक है, देखिए अब ये एक चार्ट बना लीजिए आप लोग, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बना लेना। ठीक है, इसमें क्या क्या है सर? रिएक्शन का नेम, उसका डेफिनेशन शॉर्ट में, ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस पांचों से, वो सब है इसमें, है ना। इसका थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे, लिविंग ग्रुप, और फिर कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, एंड उसका स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे क्या रहने वाला है। स्टीरियो केमिस्ट्री बस इस पांच का पूछता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है अपने लिए। फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है यहाँ से, बैकबोन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। हाँ हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शन से तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस रहेंगे ना। स्टार्टिंग मटेरियल देते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे बैकमैन में ऑक्सिम है, कौन से मीडियम में हो रहा है सर? एसिडिक मीडियम में, बनता क्या है? तो बस आपको जो ऑक्सिम देगा उसमें आर ग्रुप चेंज दिखेंगे, एसिडिक मीडियम दिखेंगे, और ये प्रोडक्ट आपको बनाना रहेगा, ठीक है, और पूछेगा, या फिर बना करके देगा, पूछेगा कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में तो ऐसे ही हम लोग किए हैं, और ऐसे ही पूछता है वो, है ना। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि ऑक्सिम स्टार्टिंग मटेरियल कौन से नेम रिएक्शन का था। ये चारों पांचों आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको पता होगा तो आप इजिली टिक कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्ट आता है यहाँ से। तो ये चार्ट पहले हम लोग देख लेते हैं ना, देखिए। सर हाँ बोलिए। कल एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसे केंजी जारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद ऐसे मतलब बैकमैन रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन ए था, मतलब ये सब ऑप्शन था, और क्वेश्चन था मतलब डिस्पर्शन विल कैरीड आउट, कौन सा रिएक्शन में डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन डिस्पर्सन, डिस्प्रोपोर्शन डिस्पर्सन ऐसे रिएक्शन क्वेश्चन भेजना, उसको देख लेंगे, ठीक है, फिर करो। हाँ क्वेश्चंस भेजना ग्रुप में, या फिर मेरे को पर्सनली भेजना, देखते हैं, है ना। ये चीज देखो आप, सर, ठीक है। अब पहला देखते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो बैकमैन में सबसे पहली बात आपको ये याद रखने हैं, यहाँ से इंक का कलर कहाँ से आएगा पता है किसी को? लिखने वाला टूल बार, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। अरेंज और माइक्रो, नहीं देख रहा, नहीं। नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट में जो स्टार्टिंग मटेरियल अपना रहता है वो क्या रहता है? ऑक्सिम। ऑक्सिम क्या होता है बताएंगे? कोई प्रोडक्ट बनता है अपना, सब्सटीट्यूटेड एमाइड, सब्सटीट्यूटेड एमाइड। ऑक्सिम क्या होता है बताइए? अगर ये डायरेक्ट दिखाएगा ना, डायरेक्ट रेसिड्यू डबल ओ एच, वन ठीक है, तो ये ऑक्सिम है अपना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें सी के साथ बस आर ग्रुप को चेंज करते रहता है, हर एक एग्जाम वाई एग्जाम वो आर ग्रुप चेंज करते रहता है, हर एक बार सेम नहीं मिलेगा, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। इसको देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है अपना, स्टार्टिंग मटेरियल है अपना ऑक्सीम, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, और सी के साथ दो आर लगा है। रिएक्शन कौन से मीडियम में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मीडियम में होता है रिएक्शन, ठीक है, और बनता है क्या? बनता है सब्सटीट्यूटेड एमाइड।
सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का क्या मतलब हुआ? पहले तो आपको एमाइड फंक्शनल ग्रुप बनाना है, क्या होता है CONH2, ये दिख रहा है आपको CONH2, एंड दो आर ग्रुप जो इधर लगाए थे ना सी के साथ में, उसमें से एक आर ग्रुप माइग्रेट होकर के एन के साइड जाके लगता है, एन के साइड जाकर के लगता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रोडक्ट जो बनता है वो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। और यही रीजन है कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में स्टीरियो केमिस्ट्री एंटी माइग्रेशन हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये एक ग्रुप जो है कोई भी दोनों में से, अब कौन सा करना है वो मैं आगे बताऊंगा, सिन एंटी वाला कहानी यहीं पे आता है, ठीक है? कोई कल क्वेश्चन भी पूछा था शायद इससे, ठीक है? सिन एंटी वाला कहानी यहीं पे बनता है, कौन सा जाएगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि एक आर ग्रुप तो यहाँ से माइग्रेट करके एन के साइड जाएगा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है? इतना क्लियर हो रहा है? ऑक्सिम स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, एसिडिक मीडियम यूज करेंगे, एंड प्रोडक्ट एमाइड बनेगा CONH, इतना तो क्लियर है। अब इसके साथ एक आर ग्रुप लगे हैं, बस एक आर ग्रुप को हम सिन वाले को, अभी सिन एंटी हम पढ़ाऊंगा डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है? वो एन के साइड जाकर जुड़ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। और लिविंग ग्रुप इसमें से कौन जा रहा है तो ध्यान देना, एन के साथ डायरेक्टली जो लगा रहता है जनरली वही लिविंग ग्रुप होता है डिफिशिएंट में, तो OH यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये निकल रहा है। कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बता ही दिया, एंटी माइग्रेशन किया हुआ, क्योंकि एक ग्रुप माइग्रेट करके आर इधर आ रहा है, किसके साइड? NH के साइड, तभी तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें लिविंग ग्रुप से भी क्वेश्चंस पूछ लेगा आपको, ठीक है? और कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टीरियो केमिस्ट्री से भी आ सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसमें, ठीक है? अब इसका नेमिंग, जैसे सिस ट्रांस पढ़ते हो ना, इसमें सिन एंटी होता है, सिन एंटी, एक बार इस टेबल को कंप्लीट करता हूँ फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? एंड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे वहाँ पे और अच्छे से समझ पाएगा। दूसरा है अपना हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, याद रखना नीचे का चारों रिएक्शन को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, एक बार और शायद एक्सप्लेन किया था, क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग मटेरियल में जितना नंबर ऑफ कार्बन रहता है, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाता है। नीचे का चारों, हॉफमैन हो, लोजन हो, कर्टियस हो या फिर सिमिट हो, चारों को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो कंफ्यूजिंग है, जब प्रोडक्ट बना के देता है वो तो नंबर ऑफ कार्बन सेम भी रखेगा एंड नंबर ऑफ कार्बन एक कम करके भी देगा, तो जनरली लोग जो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है वही टिक लगाता है, लेकिन याद रखना ये चारों का चारों डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसमें एक कार्बन कम बनते हैं प्रोडक्ट में। अगर स्टार्टिंग मटेरियल में 5 कार्बन होंगे तो प्रोडक्ट में 4 ही बनेंगे, ये ध्यान रखना है अपने को। ये चारों में, किसमें सर? हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट में, या फिर लोजन रीअरेंजमेंट हो, या फिर कर्टियस हो, या फिर सिमिट हो, ठीक है? स्टार्टिंग मटेरियल थोड़ा कोरिलेट करके ध्यान रखना। ऊपर में क्या था? ऑक्सिम। प्रोडक्ट क्या बना था? एमाइड। अब ध्यान देना हॉफमैन ब्रोमोमाइड, नाम ही है, नाम में ही है देखो सब कुछ लगा हुआ, ब्रोमोमाइड, एमाइड बोल रहा है, मतलब एमाइड इसका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, ब्रोमोमाइड नाम से क्लियर है, याद रखना ब्रोमीन भी यहाँ यूज हो रहा होगा, एंड बेसिक मीडियम यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है? और प्रोडक्ट देखो, ये चारों का चारों रिएक्शन जो है ना, नीचे का हॉफमैन, लोजेन, कर्टियस, सिमिट, चारों के चारों में प्रोडक्ट जो बनेगा वो एमीन ही बनने वाला है, चारों में प्रोडक्ट एमीन बनेगा, ध्यान देना चारों इसलिए साथ में लिखा हुआ है, हॉफमैन, लोजेन, कर्टियस, सिमिट, सब में आपको एमीन दिख रहा है प्रोडक्ट, सब में क्या दिख रहा है प्रोडक्ट? एमीन दिख रहा है, बस थोड़ा मीडियम चेंज हो रहा है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, कि ब्रोमोमाइड है मतलब एमाइड स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ब्रोमीन है सर बेसिक मीडियम है, प्रोडक्ट क्या? एमीन दिया। यहाँ पर ध्यान देना ब्रोमीन चूंकि लगाया तो ये लिविंग ग्रुप ब्रोमीन हो गया, और नीचे के चारों में आइसोसाइनेट ही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और वो भी ब्रेक होकर के नाइट्रिन बनता है, वो आप लोग को पता है, तो दोनों में से कोई भी रहे तो आप टिक करना। और यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में चारों का चारों डिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, मतलब अगर स्टार्टिंग मटेरियल आपका आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, जैसे कि एंटी माइग्रेशन हुआ था बैकमैन में इसके ऊपर वाले में, ठीक है? यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक, लेकिन ये बाकी इस चारों में चेंज नहीं होगा, ठीक है? प्रोडक्ट एमीन बनेगा।
अब हॉफमैन से कोरिलेट करना, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट हो, हॉफमैन हॉफमैन के शुरू में एच ओ आर है ना, तो उसी से याद रखना, इसी के जस्ट नीचे लोजन है, लोजन में हमें क्या करना है ना, एच ओ का ओ एच बस एन के साइड लगा देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एमाइड था ना, यहाँ पर आर सी ओ एन एच टू, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा क्या था, आर सी ओ एन एच टू, वो हमने क्या किया, एक एच हटा करके जो होफमैन का एच ओ था यानी कि ओ एच था उसको इसमें लगा दिया। यहाँ पे देखो नाम क्या हो गया सर इसका, हाइड्रोक्सेमिक एसिड, नाम हो गया हाइड्रोक्सेमिक एसिड। ये लोजन रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। अगेन ये बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट एमीन बनाएगा, प्रोडक्ट चारों का टेंशन नहीं लेना है, चारों में प्रोडक्ट एमीन ही बनता है। मैंने बोला अगर एन के साथ ओ एच लगा हो तो लिविंग ग्रुप जनरली वही होता है, बाकी सब कुछ सेम है इधर, ठीक है। आइसोसाइनेट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, एंड कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो जो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है वही होगी, ठीक। ये दोनों क्लियर हुआ, अब चलते हैं हम कर्टियस रीअरेंजमेंट पे, ठीक है। कर्टियस और सिमिट को एक साथ याद रखो, हॉफमैन और लोजेन को एक साथ याद रखो। कर्टियस रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग मटेरियल एसाइल एजाइड है, एजाइड आप लोग को पता है, अगर आर ग्रुप लगा रहता है N3 से उसको हम एजाइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसाइल ग्रुप लगा है आर सी डबल बॉन्ड ओ, किसके साथ, N3 के साथ, इसलिए हम बोल रहे हैं एसाइल एजाइड। ध्यान देना कर्टियस रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, एसाइल एजाइड। जब आप इसको हीट करोगे थर्मली तो आपको भी पता है, मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि N3 कहीं भी दिखे या फिर सी डबल बॉन्ड ओ कहीं भी दिखे और थर्मल रिएक्शन हो रहा हो तो N2 गैस सर बाहर हो जाते हैं, N2 गैस बाहर हो जाते हैं, नाइट्रिन इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनेंगे। यहाँ पे आपको पता कॉन्फ़िगरेशन अगेन सेम है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट मैंने बोला सब में NH2 ही बनने वाला है। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो कार्बन था ना सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये यहाँ से गायब हो गए, बस आर के साथ NH2 लगा दिया, मतलब एक कार्बन कम हो गए ना। यहाँ भी ऑब्जर्व करो सी डबल बॉन्ड ओ जो था वो गायब हो गया, डायरेक्ट आर के साथ NH2 लगा है, अगेन इसमें भी वही कहानी है, इसलिए हम चारों के चारों को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब कर्टियस से ही कोरिलेट करके हमें सिमिट याद रखना है, कर्टियस कर्टियस को ऐसे ध्यान रखना, जब इस भाई साहब को हम काटते हैं तो वैसे भी पता है, अगर आपने एमाइड बॉन्ड को काटते हो सी ओ एन एच टू मेडिकेम में भी पढ़ोगे, जब इसको काटोगे तो एन के साइड हमेशा एच लगता है एंड सी डबल बॉन्ड ओ के साइड ओ एच लगता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना मेडिकेम का भी और यहाँ भी, तो ऐसे याद रखना जब कर्टियस को काटोगे यहाँ से, कर्टियस को जब यहाँ से काटोगे तो वो सिमिट का स्टार्टिंग मटेरियल बन जाएगा। सिमिट का स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या है सर, जब इसको काटा आपने तो आर के साथ सी ओ बचा एंड जब टूटा तो ओ एच इधर लग गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड N3 के साथ में एच लग जाएगा, एन के साइड एच लगता है जनरली, ठीक है। तो HN3 को हम हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब आपको कार्बिन नाइट्रिन पढ़ा रहा था, तो मतलब सिमिट रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो गया सर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजोइक एसिड, सब एसिड एसिड ही दिख रहा ना, तो ध्यान रखना मीडियम भी एसिडिक ही होता है, एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है एमीन ही रहेगा, और चूंकि एजाइड है N3 वाला है तो N2 गैस ही निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा थर्मल रिएक्शन होता है, ठीक, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक। तो बस अगर मैं समरी एक तरीके से बताऊं तो हॉफमैन लोजेन कर्टियस सिमिट, प्रोडक्ट चारों में एमीन बन रहे हैं सर, आइसोसाइनेट या फिर नाइट्रिन इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ठीक है। रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है चारों में, ठीक है, बस हमें याद रखना है स्टार्टिंग मटेरियल एंड मीडियम। तो हॉफमैन एंड लोजेन को साथ में याद रखिए, हॉफमैन ब्रोमोमाइड से लीक हो जाएगा सर, एमाइड है इसका स्टार्टिंग मटेरियल एंड ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, ब्रोमोमाइड से ही याद आएगा। जब इसको आप हॉफमैन से एच ओ को मैं बोला ओ एच लगाना है इसके स्टार्टिंग मटेरियल में, तो लोजेन का स्टार्टिंग मटेरियल बन गया हाइड्रोक्सेमिक एसिड, ठीक। फिर कर्टियस और सिमिट को एक साथ याद रखना, कर्टियस में एसाइल एजाइड स्टार्टिंग मटेरियल था, जब इसको काटा तो एसिड और हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजोइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बना, दोनों इसका स्टार्टिंग मटेरियल है, सिमेट्री अरेंजमेंट का प्रोडक्ट अगेन एमीन बनेगा। अब डिटेल में देखें इसको थोड़ा, वॉइस जा रही है ना कि नहीं जा रही, हेलो आ रहा है सर, आ रही है सर।
ठीक है ठीक है। अब देखो बैकमैन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑक्सिम बनता कैसे है? जब आप अल्डिहाइड या कीटोन का ट्रीटमेंट करवाओगे हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ में NH2OH, इसके साथ में जब आप ट्रीटमेंट करवाओगे अल्डिहाइड या कीटोन का, ये सर सी डबल बॉन्ड NOH ऑक्सिम बनता है, ये तो क्लियर है। अब दो टाइप का ऑक्सिम, अगर आप अल्डिहाइड से बनाओगे ऑक्सिम तो उसको हम अल्ड ऑक्सिम बोलते हैं, अल्डिहाइड वाले ऑक्सिम को, ठीक है। एक साइड एच रहेगा, एक साइड आर रहेगा। अल्डिहाइड में क्या रहता है, एक साइड एच ही रहता है ना, एक साइड एच एक साइड आर सी डबल बॉन्ड ओ। इस वाले से अगर आप बनाया ऑक्सिम तो उसको अल्ड ऑक्सिम बोलते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप आर एच। अब अल्डोक्सिम वाले में ध्यान देना, सिन एंड एंटी वाला कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, सिन एंड एंटी, ये ओनली एंड ओनली ऑक्सिम में पढ़ना पड़ता है अपने को, ऑक्सिम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, ऑक्सिम के लिए, नहीं तो सिस ट्रांस वगैरह यूज करते हैं हम लोग। अब आपको पता होना चाहिए कि कब सिन एंड कब एंटी लिखते हैं हम लोग, ये ध्यान दीजिए। अल्डोक्सिम में ध्यान देना, ओ एच याद रखना, अगर ओ एच एंड एच, जो कि अल्डोक्सिम है तो एच होगा ही, एक साइड आर होगा एक साइड एच होगा, तभी तो अल्डिहाइड था अपना, ये वाला कंडीशन, ये एच, ठीक है। तो अगर ओ एच एंड एच सेम साइड दिखे, सेम साइड, तो सिन बोलते हैं, और यहाँ पे सिस के जैसा ये सिन अपना, ठीक है, ध्यान देना। ओ एच एंड एच यहाँ पे लिखा भी है, ओ एच एंड एच अगर सेम साइड दिखे, वो ऐसे ओपन करके देता है एग्जाम में भी, तो उसको हम सिस बोलेंगे। जब एच एंड ओ एच अपोजिट साइड दिखे तब उसको हम एंटी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं कीटोन वाले में, कीटोन वाले में जब स्टार्टिंग मेटल आपका कीटोन रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर आर, तो जो ऑक्सिम बनता है ना उसको हम कीटोक्सिम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आर आर लगा है, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करना है हमें, देखो अगर सिमेट्रिकल कीटोन रहा, जैसे कि एक ही सी एच थ्री, एक सी एच थ्री ऊपर भी दूसरा भी सी एच थ्री ही रहा, फिर तो वहाँ पे सिन एंटी का कोई खेल बचता नहीं, क्योंकि आप सिन बोलो मिथाइल को या फिर एंटी बोलो मिथाइल को, दोनों सेम ही है। ये आता कब है, जब अनसिमेट्रिकल आ जाए, अनसिमेट्रिकल आ जाए, इसके ऊपर में ये देखिए अनसिमेट्रिकल आ जाए, यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, अगर एक ग्रुप सिंगल कार्बन वाला है जैसे कि मिथाइल, एंड दूसरा ग्रुप जो लगा था, दूसरा एल्काइल ग्रुप, वो है दो कार्बन वाला मिथाइल, तो अब आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, तो ध्यान देना ओ एच वाले साइड, ओ एच के साइड जो ग्रुप रहेगा वो सिन में लिखाएगा, एंड ओ एच के अपोजिट जो साइड जो ग्रुप लगे रहेंगे वो एंटी में लिखाएंगे। जैसे कि देखिए ये नाम लिखा हुआ है इसका सिन इथाइल, सिन क्यों लिखा इथाइल को, क्योंकि ओ एच के साइड में है। एंटी मिथाइल, एंटी क्यों लिखा मिथाइल को सर, क्योंकि ओ एच के अपोजिट साइड में है, तो नाम हो गया इसका सिन इथाइल एंटी मिथाइल, चूंकि कीटोन वाला है इसलिए नाम हो जाएगा इसका कीटोक्सिम, ठीक है, सिन इथाइल एंटी मिथाइल कीटोक्सिम, ठीक है, एंटी मिथाइल कीटोक्सिम, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा नीचे और देखते हैं, यहाँ पर देखिए ओ एच के साइड, अभी हम यहाँ पे फेनाइल लिखा हुआ दिख रहा है, एंड सी एच थ्री ओ एच के अपोजिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, फेनाइल को हम सिन में लिखेंगे क्योंकि सेम साइड दिख रहा है ओ एच के साइड, तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है सिन फेनाइल, आपको एंटी लिखना है तो लिख दीजिए एंटी मिथाइल कीटोक्सिम, क्योंकि एक सिन हुआ तो दूसरा तो एंटी ही होता है ना, तो आप लिखो तो भी नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिन फेनाइल एंटी मिथाइल कीटोक्सिम इसका नाम हो गया। एंड आपको पता है बैकमैन में एंटी माइग्रेशन होता है, बैकमैन में एंटी एंटी माइग्रेशन होता है, एंटी माइग्रेशन होता है, इसलिए एंटी का मतलब जो एंटी में रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे एंटी में मिथाइल है, यही ग्रुप माइग्रेट करके तो आपका किस में जाएगा, जो एमाइड के साइड जा रहा था, एन के साइड जा रहा था माइग्रेट होकर के, मतलब एंटी वाले को अपने को माइग्रेट करना है, वो कैसे पता चलेगा, सिन एंटी वाले कॉन्सेप्ट से हमें पता चलेगा, ठीक है, सिन एंटी वाले कॉन्सेप्ट से हमें पता चलेगा, ठीक है। मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखिए, देखिए ओ एच के साइड में ये आर था, एंड ओ एच के अपोजिट साइड में आर डैश है, मतलब एंटी में कौन है सर, आर डैश। बैकमैन में होता क्या है, एंटी माइग्रेशन, प्रोडक्ट क्या बनता है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, तो सबसे पहले तो हमने
एमाइड बना लिया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। अब हमें एन के साइड किसको माइग्रेट करना है, जो एन टी में होगा, ठीक है, जो एन टी में होगा मतलब आर माइनस है एन टी, मतलब ओ एच का अपोजिट साइड कौन सा था, आर डैश, ये आर डैश जाकर के यहाँ अटैच हो गया, सब्सटीट्यूटेड एमाइड बनाया, सब्सटीट्यूटेड एमाइड बनाया, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड एमाइड प्रोडक्ट बनाया। अब देखिए नीचे कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पर सिन मिथाइल एन टी इथाइल, सिन में कौन सा मिथाइल है, एन टी में कौन सा इथाइल है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा होगा एमाइड उसमें एन के साइड, ये देखिए एन के साइड कौन ग्रुप जाकर के माइग्रेट करेगा, तो इथाइल ग्रुप जाकर के माइग्रेट करेगा, देखिए इथाइल ग्रुप एन के साइड लगा हुआ है, आ ये CH3 जहाँ पे था जिस कार्बन से लगा हुआ था वहीं पे लगा हुआ है, इसलिए क्यों सर, क्योंकि इसमें होता है एंटी माइग्रेशन, अगेन बोल रहा हूँ, आई थिंक आप लोग का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और, यहाँ पे देखिए सिन फेनाइल है और एंटी मिथाइल है, तो एंटी वाले को अगेन माइग्रेट करना है, तो ये जाएगा किसके साइड सर, एमाइड का जो NH है उसके साइड में CH3 गया, बाकी जो जैसा था वैसा प्रोडक्ट बनने वाला है, हमें पता है इसमें प्रोडक्ट एमाइड बनेगा वो भी सब्सटीट्यूटेड वाला, बस माइग्रेट कौन सा ग्रुप करना था ये हमें जानना था, मैंने बता दिया आपको NT में जो रहेगा वही माइग्रेट करेगा, ठीक है, एंटी पार्टी माइग्रेट करता है, एंटी पार्टी माइग्रेट करता है। कहाँ घूम गया फिर से, हाँ यहाँ पर देखिए अगेन सिन में कौन सा है पूरा का पूरा बेंजाइल जो है ये सिन में है, एंटी में कौन सा है मिथाइल, तो माइग्रेट कौन करेगा सर, जो एंटी में था वही माइग्रेट करेगा, तो ये ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बनने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ अदर एग्जांपल्स हैं कैसे टेढ़ा आड़ा टेढ़ा लिया हुआ, ये देखिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड का एग्जाम्पल्स है, आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है CONH2, बस इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, एमाइड स्टार्टिंग मटेरियल दिख रहा है आपको, ब्रोमीन भी दिख रहा है, बेसिक मीडियम भी दिख रहा है, मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड ही है, प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है एमीन, ये भी आपको क्लियर था, मतलब इस एमाइड से जो भी आर ग्रुप जैसा था वैसा ही लिखना है आपको, क्योंकि बाकी सब में रिटेंशन कन्फिग्रेशन था, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कुछ नहीं चेंज करना, अगर आर है तो आर ही लिखना है, जो बॉन्ड जैसा है, कोई बोल्ड है तो उसको बोल्ड ही लिखना है, कोई डॉटेड है उसको डॉटेड ही लिखना है, मतलब ये था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा था चारों में, एमीन, देखिए ये वाला कार्बन पूरा का पूरा जो एमाइड था ना ये वाला, ये इसको हमने एमीन में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला कार्बन जो था वो गायब हो गया यहाँ से, नंबर ऑफ कार्बन इसमें एक कम है, ठीक है, लेकिन रिटेंशन कन्फिग्रेशन बनाया हमने जो जैसे लगा था, देखिए C2H5 गोल्ड वाला बॉन्ड से लगा था उसको गोल्ड से ही अटैच करवाया, एंड H जो है ना वो डॉटेड से बना हुआ है, PDF नहीं दिखाई दे रहा आपके साइड, दिक्कत है हमें तो दिखाई दे रहा, बाकी लोग को भी दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, PDF दिखाई दे रहा, यस PDF सर, दिखाई दे रहा, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बस अपने को रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन करना है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, मतलब एक कार्बन तो कम बनेगा अपने प्रोडक्ट में, ये एमाइड वाला कार्बन का जो सी डबल बॉन्ड ओ था वही को जनरली ध्यान रखना, उसको हटाना है अपने को और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी एमाइड है ना, जहाँ पर भी एमाइड है ना वहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल है, वहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल है, जहाँ पे कहीं भी देखिए आपको, अब सीमेंट देखिए जैसे कि ये रहा आपका क्वेश्चंस, आपको पता है ये क्या है,
एसिड कार्बोक्सिलिक वाला, और ये है हाइड्रेजुइक एसिडिक मीडियम भी दिख रहा, मतलब सीमेंट तुरंत याद आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RnH2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RnH2। ठीक है, ध्यान देना, अगेन ये सी डबल बॉन्ड एन वाला सी गायब हो गया, बस ये आर बचा अपना, और यहाँ से तो N2 बाहर हो रहा होगा, मैं अगेन ऊपर कर चुका हूँ थोड़ा। ठीक है, ये N बस बचेगा, मतलब RnH2 एमीन प्रोडक्ट बचेगा। ठीक है, बाकी सब बाहर हो जाएंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। देखिए, अब R के जगह पे बेंजीन आ गया, तो देखिए प्रोडक्ट अब डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे बेंजोइक एसिड उसने स्टार्टिंग मेटल में लिया, उसके साथ में दिख रहा है कि हाइड्राजोइक एसिड है, हाइड्राजोइक एसिड है एंड एसिडिक मीडियम भी है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सर ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, रिएक्शन जो है वो सीमिट है क्या? बिल्कुल सीमिट है, दोनों एसिड है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो सीमिट है, मतलब प्रोडक्ट एमीन बन रहा है। यहाँ से एक कार्बन गायब होगा, NH2 आएगा। अब आर ग्रुप यहाँ पे चूंकि बेंजीन था तो बेंजीन पे NH2 लग गया, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन अगेन गायब हो गया क्योंकि डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट अपना यहाँ पे क्या बनने वाला है? NH2 किस पे लग जाएगा? बेंजीन पे। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है बना के ना दे, ऑप्शन में ऐसा देगा, बताओ कि एनिलीन है या फिर बेंजाइल एमीन है, ऐसा ऐसा करके ऑप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर मान के चलो ऐसा रहता, स्टार्टिंग मटेरियल ये रहता, प्लस HN3 एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम यानी कि H+, प्रोडक्ट क्या बनता बताओ थोड़ा, प्रोडक्ट क्या बनता? प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम बताइए। अगर मान चलो ये स्टार्टिंग बेंजाइल क्या बनेगा? बेंजाइल एमीन बेंजाइल एमीन। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे बस ये वाला कार्बन गायब करना है, ये वाला कार्बन। ठीक है, बेंजीन से एक कार्बन तो और लगा था ना यहाँ पे इस कंडीशन में, मतलब CH2 के साथ में इस बार NH2 लगेगा, नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल एमीन। अब इस बार भी वो ऑप्शन में एनिलीन दे करके रखेगा, तो थोड़ा एग्जाम में अपना माइंड को अस्थिर करके, बिल्कुल शांत करके फिर क्वेश्चंस करने का, स्पेशली ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर थोड़ा सा वो हुआ ना तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा कॉन्शियस रहा आपने तो क्वेश्चंस बहुत कम चांस रहता है कि गलत होंगे आपसे। ठीक है, ये चीज़ सब थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये पांच जो नेम रिएक्शन था आपका वो कंप्लीट हो गया, एन डेफिशिएंट वाला, बैकमैन, हॉफमैन, लोजेन, कर्टियस एंड सीमेट। कोई डाउट है उसमें तो पूछिए, बन जाएगा प्रोडक्ट आप लोग से, प्रोडक्ट बन जाएंगे ना? क्वेश्चन अगर पूछिएगा तो बन जाएगा ना? यस सर बन जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ना है बताओ? ऑर्गेनिक में और क्या बचा हुआ है? ये बेयर लीजर भी आई थिंक नहीं हुआ है, ये भी देख लो साथ, वो एन डेफिशिएंट में था पांचों, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट में बेयर लीजर आता है, ये देख लेते हैं अपना। बेयर लीजर में कुछ नहीं करना, बेयर लीजर और से याद रखना इस्टर ही बनता है इसमें, प्रोडक्ट इस्टर बनता है, ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं हम लोग इसमें, है ना? किसका रिएक्शन है? देखिए यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ पर एसिड, ध्यान देना, जब कीटोन पर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, पर एसिड क्या होता है? पर एसिड, अरे एसिड जैसे कि COOH था, पर एसिड लग गया मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन घुस हो रहा उसमें, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जैसे कि आपको बताया था एग्जाम्पल मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड बताए थे, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक तक एसिड है ना, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक, तो वैसा
रिएक्शन किसका होता है, कीटोन का, किसके प्रेजेंस में, पर एसिड के प्रेजेंस में, और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रहता है ना, वही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे घुसेगा बीच में और इस्टर बनाएगा। तो बेयर विलीजर, बेयर में भी ई आर आ रहा है लास्ट में, विलीजर में भी ई आर आ रहा है लास्ट में, और से याद रखना प्रोडक्ट अपना इस्टर बनता है। एल्डिहाइड कीटोन का, ये कीटोन का, जनरली कीटोन का रिएक्शन है, पर एसिड के प्रेजेंस में एस्टर बनता है, ये अपने को क्लिक होना चाहिए। जैसे कि देखिए CH3 C11O CH3, हमें एस्टर बनाना है तो क्या करना है, बस ऑक्सीजन तो बीच में लगाना है, और वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, पर एसिड। क्यों सर? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके घूम रहा, वो अपने मत्थे पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके घूम रहा, तो वो इजिली दे देता है अपना। देखिए ऑक्सीजन जैसे ही बीच में आया तो एस्टर बन गया ना, मिथाइल एस्टर, क्या है एस्टर। बस ध्यान देना ये कि जब कीट बोले आपको कि कीटोन पर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस्टर नाम है बेयर विलीजर। या तो पूरा रिएक्शन लिख करके दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा नेम रिएक्शन है, ऑप्शन दे देगा चार, ठीक है, तो ऐसे पूछता है, तो ध्यान देना आप यहाँ पे, है ना। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, पर एसिड आप लोग को पता है, अगर एसिटिक एसिड में पर एसिटिक एसिड लगा है, बस दो कार्बन वाले में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगे होंगे, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड भी आप लोग को क्लियर है, यहाँ पर है ये मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये था पर बेंजोइक एसिड, मेटा पे अपने क्लोरीन लगा दिया तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड बन गया, है ना। अब ध्यान देना ये चीज इंपॉर्टेंट है, अनसेमेट्रिकल कीटोन अगर रहा, व्हाट डू यू मीन बाय अनसेमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल का मतलब जैसे कि सिमेट्रिकल क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ था और दोनों साइड सी एच थ्री लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ था, दोनों साइड सी टू एच फाइव लगा हुआ है, ऐसे वाले को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल में दोनों साइड अलग अलग आर ग्रुप लगे होंगे, जैसे कि एक साइड मिथाइल लगा है सी एच थ्री और एक साइड इथाइल लगा है, इथाइल में पहले सी एच टू आया, तो ऐसा अगर आएगा ना, तो आप ऑक्सीजन किधर इंसर्ट करोगे, पेयर विलीजर में ऑक्सीजन आप किधर इंसर्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखना ऑर्डर है आपको ऑक्सीजन लगाने की, ये ऑर्डर है, ठीक है, ध्यान देना। अगर 3 डिग्री एल्काइल देखिए आपको, सबसे पहले उस साइड ही ऑक्सीजन इंसर्ट करने हैं, वो नहीं है 2 डिग्री है तो वहाँ पे करने हैं, देन एराइल या फिर फेनाइल दिख रहा है तो उधर करना, देन 1 डिग्री एल्काइल, देन लास्ट में अगर कुछ नहीं तो मिथाइल। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए CH3 भी था एक साइड और एक साइड C2H5NCH3 ये भी है, तो अपने को किधर करना है ऑक्सीजन इंसर्ट, किधर करना है ऑक्सीजन इंसर्ट, किधर करना है बताइए। देखिए जहाँ पर C2H5 था, C2H5 2 डिग्री वाला दिख रहा, ठीक है, मिथाइल तो सबसे लास्ट में था, अगर ये नहीं रहता, ये भाई साहब अगर नहीं रहता, इधर भी मिथाइल रहता तभी इधर इंसर्ट करते, लेकिन मिथाइल है और ये इथाइल भी है तो हमें इधर ऐड करना है ऑक्सीजन, ये अपना प्रोडक्ट बनने वाला है। और एग्जांपल देखिए नीचे कहाँ भाग गए, हाँ ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड CH3 लगा हुआ है और एक साइड फेनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन सर कहाँ इंसर्ट करने हैं, जिधर फेनाइल ग्रुप है, क्योंकि तो ऑर्डर में अभी वही बताया ना मैं, फेनाइल फेनाइल पहले आता है ऑर्डर में, मिथाइल सबसे लास्ट में आता है, तो ऑक्सीजन इंसर्ट जो पहले आ रहा है हमें वहाँ पे करना है, ऑक्सीजन को इंसर्ट यहाँ पे करना है, तो मतलब फेनाइल रिंग के साइड में ऑक्सीजन इंसर्ट किया, एस्टर बन गया फेनाइल एसीटेट, ठीक है, आई थिंक क्लियर हुए होंगे ये, बन जाएंगे आपसे प्रोडक्ट। ये रिएजेंट आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो, अच्छा, ये अलग है शायद, है ना, सेटजेफ हॉफमैन है, सेटजेफ हॉफमैन हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है इतना क्लियर है, बेयर विलीजर का कर लोगे, देखो बेयर विलीजर एंड एन डेफिशिएंट दोनों में से आपको इस बार कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा रिवाइज करना इसको, ठीक है, जो भी नोट्स है आपके पास उसको रिवाइज करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस आप लोग पढ़े होंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। डिफरेंस बताओ कोई जल्दी से। डिफरेंस बताइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से किस किसके प्रेजेंस में होता है। सब्स्टिट्यूशन में एक एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। और एलिमिनेशन में सिंगल ग्रुप मतलब निकलेगा, सिंगल ग्रुप कोई में किसी भी एलिमेंट मतलब तो एलिमेंट। सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन सर रिएक्शन, मीडियम का डिफरेंस होता है। हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस क्यूएच के प्रेजेंस में होता है। आपको ऐसे भी देख करके दे सकता है के ओ एच उसके साथ में वाटर मतलब सेम है एक्वस क्यू एच, या फिर ऐसे लिख के दे सकता है के ओ एच उसके साथ में इथेनॉल ई टी ओ एच। ठीक है, इसका मतलब भी वही हुआ अल्कोहलिक के ओ एच। अरे यार कैसे क्यों हो रहा है अल्कोहलिक के ओ एच। ठीक है, तो ध्यान देना दोनों में तो फर्स्ट डिफरेंस यही है कि मीडियम चेंज हो गया, मीडियम अलग अलग हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ग्रुप आता है दूसरा ग्रुप को लेके जाता है, मतलब एक ग्रुप रिप्लेस करता है दूसरे को। अगर एल्काइल हैलाइड है मान के चलो, रिएक्शन आपने करवाया एक्वस क्यूएच के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है हैलाइड को रिप्लेस करके ओएच यहाँ पे आकर के जुड़ गया। ऐसा एक ग्रुप हटा दूसरा ग्रुप आकर के उसके जगह पे जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन टाइप है। एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन को हम डिहाइड्रोहैलोजनेशन भी बोलते हैं। एम आई राइट, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। अगर स्टार्टिंग मटेरियल अपना क्या रहा एल्काइल हैलाइड, तो सर डिहाइड्रोहैलोजनेशन का क्या मतलब हुआ, डिहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब हुआ डी का मतलब होता है हटना, मतलब निकलेगा, हटना हिंदी आता है आप लोगों को नहीं आता, किसका किसका सर हाइड्रोजन का एंड हैलोजन का, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिएक्टेंट से निकलेंगे, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अब हैलोजन कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा वो निकलेगा यहाँ से, और प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बनेंगे, एल्कीन बनेंगे। तो यही एल्कीन जो है, एल्कीन वो कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, ये लैपटॉप पगला गया लग रहा है मेरे जैसे। एल्कीन कौन सा वाला बनेगा, उसके लिए तीन रूल दिया था सेटजेब भाई साहब ने, हॉफमैन भाई साहब ने, एंड एक अगर ब्रिज्ड कंपाउंड हुआ तो उसके लिए ब्रेड एलिमिनेशन, तीन रूल दिया गया था। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझ लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे चलते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ये भी आपको पता, डिहाइड्रोहैलोजनेशन उसी को बोलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जब दो एटम्स रिएक्टेंट से रिमूव होंगे तो एलिमिनेशन बोलते हैं, ये भी आप लोग को पता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक क्यूएच में रिएक्ट किया, यहाँ से एक हाइलोजन और एक हाइड्रोजन गायब होगा एंड एल्कीन प्रोडक्ट बनने वाला है। अब ये एल्कीन कैसा वाला बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, सर कौन से कंडीशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, कब लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, उसी के लिए यहाँ पे तीन रूल दिया गया है इस एलिमिनेशन के लिए। पहला रूल है आपका सेटजेफ रूल, उसी को हम जेटसेफ भी बोल सकते हैं। ध्यान देना एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बस पढ़ रहे हैं हम इसको, है ना, एल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में होता है। पहला रूल है सेटजेफ रूल, दूसरा है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन रूल, तीसरा है ब्रेट एलिमिनेशन मतलब ब्रिज्ड कंपाउंड वाला, ब्रिज्ड कंपाउंड वाला लास्ट में देखेंगे, पहले हम सेटजेफ एंड हॉफमैन देखते हैं। याद रखना जब सेटजेफ रूल के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो इन्होंने बोला था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनना चाहिए। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या मतलब हुआ, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है। ये चीज आपको हाइपर कंजुगेशन में भी बताया था कि नहीं बताया था बताओ, हाइपर कंजुगेशन में बताया था ना कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे, एंड एल्कीन हो या फिर जो भी हो रिएक्शन इंटरमीडिएट हो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो वहीं से एक कंसेप्ट ये रिलेटेड है, ऐसा समझ लो सेटजेफ रूल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओ, आप आर ग्रुप जिसमें ज्यादा होगा और बनने की पॉसिबिलिटी वैसा है तो आप वैसा बनाओ ताकि सेटजेफ रूल को पूर्ण करें। ठीक है,
हॉफमैन एलिमिनेशन ये कुछ कंडीशन होती है वहीं पे होता है। बोलता है कि सर ये लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस कब पता चलेगा, मैं आगे रिएक्शन का जो कंडीशन है वो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो डिफरेंशिएट कर देगा। कहाँ भाग्य तो बनती है बताओ। देखिए ये चीज सब तो आप लोग को क्लियर है। फर्स्ट कार्बन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्बो कैटायन या फिर डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन जो उस अल्फा कार्बन से अटैच होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इसमें अगर पूछे अल्फा हाइड्रोजन कितना है तो एक भी नहीं, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्ट कार्बन जो जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहाँ पर देखिए एक अल्फा कार्बन है CH3, मतलब उसके साथ तीन हाइड्रोजन लगे हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें सर, तीन। यहाँ पे छह है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके लास्ट में ये जो था इसमें तीन CH3 लगा हुआ है डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड सी से, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नौ है। मतलब अगर आपको बोले तीनों में स्टेबल कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, तो कौन सा बताओगे, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, जिसमें ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए हैं वो ज्यादा स्टेबल है इसके हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो आप लोग काउंट कर ही रहे होंगे। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कोई भी फॉर्मल्डिहाइड में भी नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है खुद ही, इसके बगल वाले एक कार्बन तो कम से कम होना चाहिए, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात दूर की बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे CHO के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, उससे तीन हाइड्रोजन लगा है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इसमें तीन है। ये क्लोरलडिहाइड जो है CHO बगल वाले कार्बन पे तीन क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन लगा हुआ है उसकी जगह पे, तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जीरो है ये तो पता। अच्छा, लिविंग ग्रुप आप लोग ने पढ़ा होगा, जो आपका हेलोजन होते हैं, जैसे कि किसी चीज से लगा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हमेशा ध्यान रखना आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, इजिली छोड़ के जा सकता है। फ्लोरीन जो है ना उसको हम पुअर लिविंग ग्रुप बोलते हैं, क्यों, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम फ्लोरीन को पुअर लिविंग ग्रुप बोलते हैं, आयोडीन को गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना तो ग्रुप तो निकलेगा, अब जो जल्दी निकलेगा वो रिएक्शन फास्ट देगा, इसलिए गुड और पुअर की बात हो रही है यहाँ पे। पुअर लिविंग ग्रुप आपने देख लिया फ्लोरीन, एंड बल्कि ग्रुप को अगर निकलना है, जैसे कि चारों साइड से CH3 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 ऐसे लगा हुआ है, एक साइड क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस वाला थोड़ा सा बड़ा सा बल्कि मॉलिक्यूल्स रहे वैसा कंडीशन। अब दोनों को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर पुअर लिविंग ग्रुप रहे, पुअर लिविंग ग्रुप जैसे कि फ्लोरीन लगा रहे आपका स्टार्टिंग मटेरियल में, एंड बल्कि लिविंग ग्रुप रहे, उस कंडीशन में हमें कौन सा रूल लगाना है, किसी को पता है तो बताओ, सेटजेफ की हॉफमैन, हॉफमैन लगाना है हमें। देख लीजिए पहले मैं हॉफमैन को बता रहा हूँ यहाँ पे, हॉफमैन मतलब लेस सब्सटीट्यूटेड वाला, लेस सब्सटीट्यूटेड वाला एल्कीन कब बनेगा सर, लेस सब्सटीट्यूटेड कब बनेगा देख लीजिए, जब रिएक्शन की कंडीशन है ये, ध्यान देना हॉफमैन आपको कब फॉलो करना है, यानी कि लेस सब्सटीट्यूटेड वाला प्रोडक्ट कब बनाना है, जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, जब पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो आपके स्टार्टिंग मटेरियल में, जैसे कि फ्लोरीन दिख रहा, उसको आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है, या फिर बल्कि लिविंग ग्रुप हो, जो ग्रुप निकलेगा वो बहुत बड़ा हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, हेलो हेलो बोलिए ना, क्लास चल रहा है मेरा, कर लीजिए। हॉफमैन एलिमिनेशन लेस सब्सटीट्यूटेड कब बनेगा, जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, एंड दूसरा जब बल्कि लिविंग ग्रुप हो, जैसे कि NR3 इसको निकलना हो, OR2 SR2 ये सब को निकलना हो, जैसे कि मान चलो ये ग्रुप को निकलना है यहाँ से, तो ये बल्कि जैसा दिख रहा, ठीक है बल्कि जैसा दिख रहा, एंड तीसरा थर्ड बल्कि सॉल्वेंट भी हो, मतलब बहुत बड़ा सा, जैसे कि पोटेशियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड ऐसा वाला हो।
तो बल्कि बल्कि पुअर, बस इतना ध्यान रखो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको हॉफमैन वाला रूल लगाना है। सर हॉफमैन क्या था? आपको प्रोडक्ट जो बनाना है एल्कीन, वो लेस सब्सटीट्यूटेड होनी चाहिए। जब हॉफमैन एलिमिनेशन होगा तो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगा, खुद ही बोल रहा था वो, ठीक है। अब होगा कब? जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, जब बल्कि लिविंग ग्रुप हो, या फिर बल्कि सॉल्वेंट हो। ये तीन कंडीशन दिखे तो आप लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाओ, बाकी में आप मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाओ। वो सेटजेफ रूल को फॉलो करता है, वो सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस रहा आपके सामने, ठीक है। मिथाइल हैलाइड है, ठीक है, आपको हैलोजन भी दिख रहा है, हैलोजन भी है। अल्कोहलिक के वेज के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होगा एल्कोहलिक के वेज के प्रेजेंस में। अब देखिए आप, ब्रोमीन तो ये निकलेगा, पता है हमें, क्योंकि डिहाइड्रो हैलोजनेशन होना है, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन होना है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन को भी हटना पड़ेगा, हैलोजन को भी हटना पड़ेगा। अब देखिए ब्रोमीन तो यहाँ से जाएगा, अब हाइड्रोजन इस वाले को हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे। अगर हाइड्रोजन राइट साइड वाला हटाओगे आप, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ बनाने हैं। यही तभी से बोल रहा था, जब सेटजेफ रूल फॉलो करेगा तो मोर सब्सटीट्यूटेड जब जैसा बने वैसा प्रोडक्ट अपने को बनाना है। मतलब डबल बॉन्ड अगर आप इधर बनाओगे लेफ्ट साइड में, देखिए मैंने क्या किया, इस कार्बन को और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, ये रहा। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपसे पूछे तो कितना है? तीन तो इधर है और तीन इधर है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें छह दिख रहा। अगर आपने राइट साइड वाला हाइड्रोजन को हटाता तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे बनता, ये इससे डायरेक्टली सर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे दो ही हाइड्रोजन है। मतलब तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, दो ही है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, छह है। तो यहाँ पे सेटजेफ वाला रूल जो अप्लाई हो रहा है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो बन रहा है वो ज्यादा होगा। आपको मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ वाला रूल, इसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर है। क्यों, ये कब होता राइट आंसर, ये राइट साइड वाला आंसर कब होता जिसमें अल्फा हाइड्रोजन दो ही है? जब यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप होता, या फिर पुअर ये बल्कि सॉल्वेंट होता, या फिर बल्कि लिविंग ग्रुप होता, तीनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सर आपको जो आंसर लगाने हैं वो सेटजेफ वाले में लगाने हैं, क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो सेटजेफ देता है, मेजर प्रोडक्ट वही बनाता है, ठीक है, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा आपके सामने। देखिए अगेन आपके सामने एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रहा आपका ब्रोमीन। आप इसके बगल वाले यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, और डबल बॉन्ड यहाँ भी डेवलप हो सकता है, और राइट साइड से भी हटा सकते हो, यहाँ भी बन सकता है। अगर आपने लेफ्ट साइड से हटाया तो ये मोर सब्सटीट्यूटेड बनेगा, क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली ये कार्बन भी जुड़े हुए हैं, ये कार्बन भी जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन भी जुड़े हुए हैं। अगर आपने राइट साइड बनाया होगा तो बस दो ही कार्बन डायरेक्टली जुड़े होंगे सी डबल बॉन्ड सी से, एक ये और एक ये। मतलब अल्फा हाइड्रोजन राइट साइड में चार है और लेफ्ट साइड में एट है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मेजर कौन सा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, जो सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगेन सर हॉफमैन वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे ना तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप पुअर है, ना तो यहाँ पे बल्कि सॉल्वेंट यूज हो रहा है, या फिर ना यहाँ पे बल्कि लिविंग ग्रुप है कोई, इसलिए ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला कंडीशन, ये वाला, ये आपको क्या दिख रहा, पुअर लिविंग ग्रुप एल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस सब्सटीट्यूटेड बनेगा। अब ये टर्मिनल वाला जो सी डबल बॉन्ड सी बनने वाला है ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप हमें दिख रहा। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा? ऑफमाइन वाला फॉलो होगा, ठीक है, ये वाला फॉलो होगा। या फिर आपको पुअर लिविंग ग्रुप दिखे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नो कि ये ब्लर क्यों हो जा रहा है, ठीक है, ये वाला देखिए। या तो फ्लोरीन हो, एक साथ लिख दिया हूँ इसमें ना, या तो फ्लोरीन हो, या फिर बल्कि लिविंग ग्रुप हो, एन के पास प्लस चार्ज है, R3 है, ऐसा कुछ आ जाए, तब आपको ध्यान देना, इस कंडीशन में आप लेस सब्सटीट्यूटेड यानी कि हॉफमैन वाला मेजर प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि इस वाले कंडीशन में हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये चीज ध्यान रखना, जब भी पुअर लिविंग ग्रुप आ जाए, या फिर पुअर लिविंग ग्रुप के साथ में बल्कि लिविंग ग्रुप आ जाए, या फिर बल्कि सॉल्वेंट आ जाए, कोई भी हो,
तो आपको हॉफमैन वाला मेजर प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उसको मेजर बनाना है। अब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड एक बनाया आपने, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ आपने एक बनाया ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो प्रोडक्ट जो मेजर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, कंडीशन मैंने क्लैरिफाई कर दिया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला। मेन अब थर्ड में था एक ब्रेट एलिमिनेशन, जो ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए था, वो ध्यान रखना। ब्रिज्ड कंपाउंड में कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं। कौन सा पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये पॉइंट है, आप डबल बॉन्ड ब्रिज्ड पोजीशन पे डेवलप नहीं कर सकते, ध्यान देना। डायरेक्ट ब्रिज्ड पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, एल्कोहल लिक्विड के प्रेजेंस में डिहाइड्रो हैलोजनेशन तो होगा, लेकिन आप यहाँ से हाइड्रोजन आप इस पे से भी ले सकते हो, ब्रिज्ड वाले से भी और इधर से भी। आपको ब्रिज्ड वाले से नहीं लेना है, क्योंकि ब्रिज्ड पोजीशन पे हम जनरली डबल बॉन्ड जनरेट नहीं करते हैं, डेवलप नहीं करते हैं। नो डबल बॉन्ड एट ब्रिज्ड पोजीशन, ये ध्यान देना बस। ब्रिज्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड ब्रिज्ड पे नहीं बनाना, अगर ब्रिज्ड पे नहीं बना सकते तो एक ही ऑप्शन है, इस पे तो बना सकते हैं हम नीचे वाले साइड में, इसमें ब्रिज्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बना, तो ये वाला प्रोडक्ट अपना बनेगा। बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर आप लोग को बता चुका हूँ, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर आई थिंक हुआ है, वह जा रही कि नहीं जा रही? नहीं हुआ नहीं सर। हुआ सर, क्या नहीं नहीं सर, नहीं हुआ। हुआ? अच्छा ठीक है, ये समझ में आया इतना। हॉफमैन ब्रेट ये सब, एक एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर एट मेंबर्ड ब्रिज्ड कंपाउंड हो, मुझे ब्रेड्स रूल समझ में नहीं आया। ब्रेट रूल समझ में नहीं आया, यस सर। एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, बस प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो देख लीजिए ब्रेट एलिमिनेशन में। दो तीन रूल है इसमें, रूल क्या है वो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके ब्रिज्ड पोजीशन पे, ब्रिज्ड कंपाउंड ही नहीं पता होगा आई थिंक, ब्रिज्ड कंपाउंड वो होता है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे थोड़ा, जैसे कि एक कोई नदी है, आपको इस साइड से उस साइड जाना है तो ब्रिज बना रहता है ना जी, या फिर कोई किसी चीज को क्रॉस कर रहा है रेलवे क्रॉसिंग पर, अभी देखते हो अगर ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया है ब्रिज टाइप का, तो ऐसे ही ध्यान रखना। जैसे कि बेंजीन में कोई भी दो पोजीशन को एक कार्बन से भी अटैच कर दिया, ये देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमने ब्रिज बना दिया एक कार्बन का, ये एक कार्बन का, ऐसे कंपाउंड को हम ब्रिज्ड कंपाउंड में लेते हैं, ठीक है। और बाईसाइक्लो भी हो गया, क्यों सर? क्योंकि तो इसमें आप देखिए ना, दो रिंग बन गया, एक तो ए वाला ये पूरा का पूरा और इसके बगल वाला भी, ये भी रिंग बन गया, ठीक है। दो कार्बन का भी रिंग हो सकता है, ठीक, मतलब दो कार्बन का भी ब्रिज बन सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, दो कार्बन का भी ब्रिज बन सकता है। इस बार ए रहा, किसी को भी मान लो, मतलब दो साइकिल ऐसा बन गया, एक कितना मेंबर है एक कितना मेंबर है, इसका नॉमिनक्लेचर मैं बाद में बताऊंगा। बस ब्रेट एलिमिनेशन में ध्यान देना, आपको क्या करना है, ब्रिज्ड पोजीशन पे अगर हेलोजन हो, ब्रिज्ड पोजीशन पे अगर हेलोजन हो, ये एक्स क्या है, हेलोजन, हेलोजन, तब वो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता, नो एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान देना, नो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। मतलब एक तो ये क्लियर हो गया, दूसरा अगर आपको ऐसा कंडीशन आए, ठीक है, ऐसा कंडीशन आए जैसे कि ये यहाँ पे है आपका हेलोजन, ठीक है, यहाँ पे है हेलोजन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर एल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में बोल रहा है रिएक्शन करवाओ, तो एल्कोहलिक क्यूएच के रिएक्शन बोल रहा है प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, तो क्या होगा, ये हेलोजन तो इस कार्बन जुड़ा हुआ है, आप हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी अवेलेबल है, चूंकि डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो रहा है, आप अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ डेवलप हो जाएंगे ब्रिज्ड के साथ में, ठीक है, इसके साथ में डबल बॉन्ड, तो ऐसा हमें नहीं करना, ऐसा हमें नहीं करना, ध्यान देना, नो डबल बॉन्ड डेवलप एट, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड
डेवलप्ड एट ब्रिज्ड पोजीशन, डेवलप्ड एट ब्रिज्ड पोजीशंस, ये दो चीज ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगा, वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, लग जाएंगे इस पोजिशन पे, डबल बॉन्ड लग जाएंगे, क्या दिक्कत है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये था ब्रिज का थोड़ा सा कुछ कहानी। चलते हैं अपने इस पे, यही लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे, है ना। देखिए ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये अब देखो एक कंडीशन और है, अगर एट मेंबर्ड ब्रिज्ड कंपाउंड आ जाए, जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है ना वो ब्रिज्ड कंपाउंड का एट मेंबर्ड अगर हो, ध्यान देना स्पेशल रूल है, मतलब ब्रिज्ड पोजीशन से आप हैलोजन भी हटा सकते हो, ब्रिज्ड पोजीशन पे आप क्या लगा सकते हो, ये मैं जो रूल बताया ना, ये तो ये कंडीशन जो बताया ना, ये वाला कि हमें हैलोजन नहीं हटाना ब्रिज्ड पोजीशन से, हमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना है ब्रिज्ड पोजीशन से, एक कंडीशन है जहां पर आप ये दोनों कर सकते हो, जब आपका स्टार्टिंग जो है ब्रिज्ड वाला कंपाउंड वो एट मेंबर्ड हो या फिर एट मेंबर्ड से ज्यादा हो, एट मेंबर्ड या फिर मोर देन एट मेंबर्ड रिंग हो, तो आप ब्रिज्ड पोजीशन से हैलोजन भी निकाल सकते हो, ब्रिज्ड पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये ब्रिज्ड पोजीशन था, इस पे क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब हैलोजन लगी हुई है। अब यहाँ से आप हाइड्रोजन यहाँ भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन यहाँ भी अवेलेबल है, जहां से मन है वहां से हटाओ, लेकिन ध्यान रखना जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा वही प्रोडक्ट बनेगा, सेट जेफ रूल अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड अगर आप इस दोनों के बीच में बनाओगे, यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो देखिए ये डबल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड बना, सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्ट ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, मेजर प्रोडक्ट यही बनेंगे, ध्यान रखना। अब ये ब्रिज्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मैंने डेवलप किया, क्यों किया सर, क्योंकि एट मेंबर्ड है, देखिए टोटल नंबर एट है कार्बन का, एट मेंबर था इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बना, नहीं तो आप ब्रिज्ड पोजीशन पे बिल्कुल भी डबल बॉन्ड डेवलप नहीं कर सकते, अगर 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर रहता तो। बस इतना याद रखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर आएगा तो, है ना। वही है क्वेश्चंस वैसे ही है, जैसे कि ब्रिज्ड पोजीशन पर अगेन क्लोरीन था, आप डबल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके भी बना सकते हो, हाइड्रोजन इस पोजीशन से भी हट सकता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो आपको प्रोडक्ट कैसा वाला बनाना है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा काउंट करने के बाद प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आए वैसा वाला हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ध्यान देना ये प्रोडक्ट मेजर है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन बनेगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ ब्रेड वाला। यस सर, हो जाएगा, पेरिसाइक्लिक पढ़ना है, कितने लोग आप लोग में से पढ़े हो पेरिसाइक्लिक, पहले बताओ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, अरविंद पढ़ा है और यस सर। मैक्सिमम लोग के पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ, इसी में आएगा टाइल्स, टाइल्स मैक्सिमम लोग ऑर्गेनिक पढ़े नहीं वैसे लगता
ठीक है, देखिए पेरिसाइक्लिक में एक पॉइंट ध्यान दो, ये कंसर्टेड रिएक्शन है। सर कंसर्टेड रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट वाला बताया था ना, उसी के जैसा है। कंसर्टेड रिएक्शन या फिर कंसर्टेड मैकेनिज्म कहीं भी लिखा रहे तो ध्यान देना, सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, एक ही स्टेप में हो रहा होगा। ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू वो रिएक्शंस हो रहे होंगे। अब पेरिसाइक्लिक का अगर कोई डेफिनेशन एक लाइन में पूछ दे तो ध्यान रखना, दोज कंसर्टेड रिएक्शन विच आर प्रोसीड वाया साइक्लिक शिफ्टिंग या फिर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक शिफ्टिंग या फिर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, चूंकि कंसर्टेड रिएक्शन है, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में, जैसे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इफेक्ट नहीं होता है पोलर या फिर पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट से या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से। तुम कोई भी पोलरिटी वाले सॉल्वेंट यूज कर लो, क्योंकि देखना ना, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जनरली फंक्शनल ग्रुप पे होता ही नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप पे नहीं हो रहा तो वो इफेक्ट होता ही नहीं है। किससे सर? पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट से या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, ये इफेक्ट किससे होता है तो ध्यान रखना, ये या तो थर्मल रिएक्शन होता है या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इस दो चीज से इफेक्ट होंगे, किससे? हीट या फिर थर्मल से, दूसरा लाइट या फिर फोटोकेमिकल से, लाइट या फिर फोटोकेमिकल से। ठीक है, जहां से हमें लग रहा है क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो चीज बताता हूँ मैं आपको। होमो ल्यूमो ये सब तो आपको क्लियर होगा, एनालिसिस में पढ़ोगे। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, चार टाइप का पढ़ना है। पहला, उस इसमें से तीन इंपोर्टेंट है आपको, साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्मा ट्रॉपिक। ये तीनों इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग हर एक एक साल के गैप करके क्वेश्चन आता है। साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्मा ट्रॉपिक एंड चेलो ट्रॉपिक। चेला वाला भाई साहब उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ऊपर का तीनों इंपोर्टेंट है आपके लिए। साइक्लो एडिशन जो है वो ध्यान देना इंटर मोलिकुलर होता है। इंटर मोलिकुलर मतलब दो मोलिकुल के बीच में, जैसे डाई सेल्डर रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एक डाइन्स होता है एक डाइनोफाइल्स होता है, मतलब ए एंड बी दो रिएक्शन मिलेंगे। इंटर मतलब दो के बीच में हो रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड सिग्मा ट्रॉपिक जो है ये है इंट्रा मोलिकुलर, मतलब रिएक्टेंट एक ही रहेंगे, एक ही रिएक्टेंट के बीच में ये रिएक्शंस हो रहा होगा, इंट्रा मोलिकुलर उसको बोलते हैं। कौन सा सर? इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी एंड सिग्मा ट्रॉपिक भी, ध्यान देना। अब सिग्मा ट्रॉपिक में एक चीज ध्यान देना, जब मैं पढ़ाऊंगा इसको और अगेन मैं बताऊंगा फिर से, कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, किसमें? सिग्मा ट्रॉपिक में, ध्यान रखना, तो वो इक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब रिएक्टेंट में मान लो चार सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे तो प्रोडक्ट में भी चार सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले दोनों में इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड साइक्लो एडिशन में पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं वहां पे, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रोडक्ट में आपको कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर देखो साइक्लो एडिशन पे आते हैं, उसी में हमें पढ़ना है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। साइक्लो एडिशन में पढ़ना है डायल्स एल्डर रिएक्शन। इसमें होता क्या है सर? साइक्लिक कंपाउंड बनता है, कब बनता है? जब एडिशन होता है दो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का, उसमें एक को हम बोलते हैं डाइन्स, एक को बोलते हैं डाइनोफाइल्स। अगेन आगे जाकर के मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है, एल्कीन अपना पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। ठीक है, ये रिएक्शन अगेन थर्मल एंड फोटोकेमिकल है, ये टेबल के थ्रू मैं समझाऊंगा। ऐसा कुछ होता है, इसमें क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कंसर्टेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन बनता है, इसमें ये ऊपर वाला जो है एंड नीचे वाला जो है ये नया बॉन्ड डेवलप हुआ। कौन दिया सर? ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, ये एक नया बॉन्ड बना लिया यहाँ पे,
ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बस ये बहुत आसान है, देखने से बन जाता, ठीक है। बस आपको रिएक्शन का कंडीशंस पते होना चाहिए, ठीक है, रिएक्शन का कंडीशन पता होना चाहिए। इसमें डाइल्स एल्डर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें दो चीज प्रेजेंट रहते हैं डाइल्स एल्डर में, एक तो डाइन्स वो भी, और दूसरा डाइनोफाइल्स। ये रहा डाइन्स आपका 1,3-ब्यूटा डाइन, और ये है आपका एल्कीन, इसको हम डाइनोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे जाकर के आप इसका डिटेल देखोगे, है ना। अगेन वैसा ही रिएक्शन है, बस पाई बॉन्ड यहाँ पे देखोगे कि शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ न्यू बॉन्ड बना लिया होगा, एंड ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब दो न्यू बॉन्ड इसमें बन रहे होंगे, यहाँ पर देखिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट थ्रू बता रहा है, इसमें से ये तो पहले से था, देखिए ये तो पहले से था, इतना इतना तो पहले से था, ये देखिए ये इतना तो पहले से था। अब नया बॉन्ड कौन सा बना, इसमें नया बॉन्ड ये बना, एंड ये जो जहाँ शिफ्ट हुआ तो नया बॉन्ड ये बना, ये भी पहले से था। और जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये पाई वाला, इस पे ऑब्जर्व करिए, ये वाले पे, ये जब शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड एक यहाँ छोड़ दिया, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बना वो साइक्लोहेक्सीन बना प्रोडक्ट, ऐसा साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब देखना डाइल्स एल्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, जो कंजुगेटेड सिस्टम में होगा उसको हम डाइन्स बोलेंगे, याद रखना वो कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, ठीक। एंड डाइनोफाइल्स में एल्कीन ही होगा, लेकिन डाइनोफाइल्स क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को खींचता है, तो ऐसा ग्रुप अगर तुमने डाइनोफाइल्स पे लगाया जो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप, EnA, ENG, अगर तुमने इस पे लगाया डाइनोफाइल्स पे, तो वो बेटर वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को खींचना रहता है, ये जो अपना पाई बॉन्ड था ना उसको इसको खींचना रहता है। तो ध्यान देना डाइनोफाइल्स अच्छा कब होगा, जब इस पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स या इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप्स जुड़े हों। डाइन्स अच्छा कब होगा, जब इस पे इलेक्ट्रो, जो ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो वो डाइन्स अच्छा होता है। ये आगे आई थिंक लिखा होगा इसमें, ठीक है, यहाँ लिखा होगा, देखिए। अब डाइन्स में अगर सिस एंड ट्रांस में डिफरेंशिएट करना होना तो ध्यान देना, जिस भी बॉन्ड से डबल बॉन्ड लगाया, मतलब ये वाले बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, इससे दो डबल बॉन्ड लगाया, याद रखना अगर दोनों सेम साइड जा रहा हो, जैसे कि देखो ये ऐसे जा रहा है दोनों सेम साइड, तो उसको हम सिस बोलते हैं। बस जो सिंगल बॉन्ड था ना उसको एस को ऑब्जर्व करो, अगर दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड जा रहा हो तो सिस बोलेंगे। जैसे कि देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो अबव द प्लेन जा रहा है, एक बिलो द प्लेन जा रहा है, एक अबव द प्लेन जा रहा है, एक बिलो द प्लेन जा रहा है, तो ऐसे वाले को हम ट्रांस बोलते हैं, ऐसे वाले को हम ट्रांस बोलते हैं। तो याद रखना जो डाइन्स जो है, डाइन्स एल्डर रिएक्शन जो होता है वो ओनली सिस वाला देता है, ओनली सिस डाइन्स डाइन एल्डर रिएक्शन देता है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर ओपन चेन, देखो ये डबल बॉन्ड ओपन चेन है ना, वैसा वाला डाइन्स अगर आएगा कंजुगेटेड वाला, तो ये ट्रांस से सिस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर क्लोज्ड में रहा, रिंग के अंदर रहा ट्रांस डाइन, तो वो ट्रांस से सिस में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि डाइल्स एल्डर रिएक्शन ओनली एंड ओनली सिस वाला एल्कीन देता है। आगे ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एस सिस ओपन अगर ट्रांस रहा ना तो वो सिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओपन ट्रांस सिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब यहां पर देखिए जो मैं बोल रहा था ना क्लोज्ड वाला, देखिए यहाँ पे ये देखिए इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करिए, इस वाले को, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। अब चूंकि रिंग के अंदर है, रोटेशन इसका रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो क्या ये ट्रांस सिस में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, और नहीं हो पाएगा तो ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी नहीं देगा, ठीक है। अगर ओपन रहता, ओपन रहता जैसे कि ऊपर वाला था, तो वो सिस में कन्वर्ट हो जाता है,
स्लिगोडाइल्स एल्डर रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बॉन्ड था, एक बॉन्ड ऊपर साइड जा रहा है, एक नीचे साइड जा रहा है, ट्रांस है ये, मैं सीधा सीधा दिख रहा है। यही अगर रिंग के बाहर रहता, ऐसे रिंग के बाहर ऐसे रहता, ऐसे डबल बॉन्ड, ये तो एस सिस है, ये तो अपना एस सिस है। ठीक है, ये अपना एस सिस है, ये क्या करेगा, ये एस सिस नहीं, एस ट्रांस है स्टार्टिंग में, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस सिस में। क्यों? क्योंकि ओपन चेन है, लेकिन वही रिंग के अंदर अगर ट्रांस वाला आ गया ना, तो ये चेंज नहीं होगा आपका, है ना, ये चेंज नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि रिंग के अंदर है। ध्यान देना, डाइल्स एल्डर रिएक्शन ओनली सिस वाला डाइंस देता है, वो भी कंजुगेटेड में होना चाहिए। ठीक है, देखो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उससे उनके ऊपर से जा रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ ना वो भी ध्यान रख लो, अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आपका बन जाना चाहिए, है ना। बाकी जो पढ़े हो उसको मजे आ रहे होंगे। मैंने क्या बोला था, डाइंस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने लगा दिया या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, तो वो अच्छा डाइंस होगा। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देना ही है, पाई इलेक्ट्रॉन उसको देना ही है, पाई इलेक्ट्रॉन उसको देना ही है, देगा तभी वहां पे आपका साइक्लिक जो ये स्ट्रक्चर बन रहा था ना, जो साइक्लिक रिंग बन रहा था, वो तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। मतलब डाइंस अच्छा कब माना जाएगा सर, जब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लगा दो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो। डाइनोफाइल्स अच्छा कब होगा, जब उसमें आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने साइड, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड वही खींचेगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको मजबूर करेगा। ठीक है, तो ये देखिए डाइनोफाइल सी डबल बॉन्ड सी था, उसके साथ में सी डबल बॉन्ड को अटैच कर दिया, ये भी तो होता है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पता है आपको। ठीक है, NO2, CN, सी डबल बॉन्ड O, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप अगर आपने डाइनोफाइल्स में लगाया, वो डाइनोफाइल्स बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा डाइल्स एल्डर रिएक्शंस में, डाइल्स एल्डर रिएक्शंस में। अब देखिए ये सब डाइंस, याद रखना डाइंस वही फॉलो करेगा जो कंजुगेशन में हो, जो कंजुगेशन में हो, अगर कोई कंजुगेशन में नहीं है तो वो डाइनोफाइल्स हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये डबल सिंगल के बाद फिर से सिंगल आ रहा है, मतलब ये डाइंस की तरह नहीं वर्क करेगा, डाइनोफाइल्स की तरह वर्क कर सकता है ये। ठीक है, ये भी अगेन डाइनोफाइल्स की तरह वर्क करेगा और अच्छा डाइनोफाइल्स होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले कार्बन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हैं, उसके नीचे वाले कार्बन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हैं, याद रखना, मोर परफेक्ट याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं ऐसा दिख जाए तो। अगेन एक ही सी डबल बॉन्ड सी है, मतलब डाइनोफाइल्स होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके ऊपर नीचे लगे हुए थे, ये भी अच्छा डाइनोफाइल्स होगा। तो ये कम से कम ध्यान रख दो, ये सब डाइनोफाइल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऐसा देखने को भी मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब ये चीज ध्यान दो, ये पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा, बेंजीन एंड नेप्थेलीन, चूंकि ये एरोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इसके पास ज्यादा होता है, तो ये जनरली डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, फ्यूरेन याद रखना, फ्यूरेन में ओनली फ्यूरेन जो हेट्रोसाइक्लिक या फिर हेट्रो साइक्लिक जो भी है अपना पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पैरोल फ्यूरेन, थायमिन, पायरिमिडीन, पायरिडीन, ये सब में ध्यान रखना ओनली फ्यूरेन, ठीक है, ओनली फ्यूरेन डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है। देखो ये कुछ कुछ पॉइंट है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने आपके पास अगर ये नोट्स नहीं है तो, है ना, ये फ्यूरेन डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये सब अटेम्प्ट करना। ठीक है, अगर पूछे पायरोल तो याद रखना एक पॉइंट, पायरोल जो है ना ये माइकल टाइप डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है, माइकल भाई साहब ने इसमें डाइल्स एल्डर रिएक्शन करवा के दिया था। अगर कोई पूछे माइकल टाइप डाइल्स एल्डर रिएक्शन कौन से हेट्रो साइक्लिक उसमें दिया जाता है, तो याद रखना पायरोल, एंड कोई पूछे किसमें इजिली डाइल्स एल्डर रिएक्शन हो जाता है, तो फ्यूरेन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे बाहर यार क्वेश्चंस नहीं पूछता है, अगर इतना माइंड में रख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब बोल रहा है कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई बताइए। एक ही प्रोडक्ट बने। एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, अगर स्टीरियो स्पेसिफिक कहीं लिखा रहे ना,
वहां पे ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अगर स्टीरियो सेलेक्टिव बोलता वहां पे मोर देन बोलता कि दो प्रोडक्ट बन रहे होते, ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। SN1 स्टीरियो स्पेसिफिक है कि स्टीरियो सेलेक्टिव है? SN1 सिलेक्टिव स्टीरियो सेलेक्टिव है क्योंकि वहां पे मिक्सचर वाला प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन वाला बनता है, रेसेमाइजेशन होता है उसमें, ठीक है। चलो बढ़िया बात। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, बस इसमें पाई पाई बॉन्ड देखोगे शिफ्ट हो रहा होगा। ये अपना क्या था, डाइन्स कंजुगेटेड वाला, यह हो गया अपना डाइनोफाइल्स। बस इसमें बॉन्ड अपने को शिफ्ट करना है, न्यू बॉन्ड बनेंगे। अब ध्यान देना इसमें, चूंकि स्टीरियो स्पेसिफिक है तो जो बॉन्ड जैसा लगा रहेगा वैसे ही लगे रहना देना, जैसा है वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, ये बॉन्ड यहाँ गया, एक नया बॉन्ड यहाँ बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो एक नया बॉन्ड ये बना, बाकी पहले से था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड एक ही रहेगा, बाकी इस कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ था, जैसे लगा हुआ था वैसे ही आपको लगा के आना है। आपको प्रोडक्ट जो है ना देख करके आपको पता चल जाएगा, प्रोडक्ट देख के पता चल जाएगा कैसे बनाना है। यहाँ भी देखो, बस बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये अगेन यहाँ साइक्लिक रिंग बना, उसमें डबल बॉन्ड यहाँ है। अब ध्यान देना, अगर आपका स्टार्टिंग मेटेरियल सिस होगा तो प्रोडक्ट भी सिस बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग मेटेरियल अगर ट्रांस होगा तो प्रोडक्ट भी ट्रांस बना, स्टीरियो स्पेसिफिक एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अगर आपने दो हाइड्रोजन है यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन को डॉटेड से ही दिखाना है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये पता होगा आपको, तो दोनों बॉन्ड डॉटेड है तो डॉटेड ही दिखाओ, बोल्ड है तो बोल्ड ही दिखाओ, ठीक, वही लिखा हुआ यहाँ पे। इस मेरा नोट्स देख करके एक चीज तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ये जिस भी उसमें समझ में आ रहा है ना बस लिख डालो, क्योंकि ये नोट्स अपना है, किसी और का नहीं है, ये नोट्स अपना है, तो हमने जो मन हो जिसमें समझ में आए जैसे समझ में आए वैसे हम लिखेंगे इसमें, क्यों जी। अब देखिए यहाँ पे ये डाइन्स है क्योंकि डबल बॉन्ड है इसपे भी, एंड ये अपना डाइनोफाइल्स है, अभी एक्सप्लेन किया कि अच्छा डाइनोफाइल्स है, क्यों सर, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड को दोनों साइड लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के उसका है, ये डबल बॉन्ड इजली यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, वही कहानी सब हो रहा है, बाकी जो जैसा लगा हुआ है वैसा ही बनाना है अपने को, ठीक है। देखो इस कार्बन को और इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड था तो वैसे ही हमने शिफ्ट कर दिया, ये डबल बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा, बाकी जो जैसा लगा है वहाँ पे वैसा होगा डायरेक्शन में, बहुत आसान है, बस देखने से बन जाता है, ठीक है, उतना लोड नहीं लेने का। पता नहीं ये ब्लर क्यों हो रहा है आगे करने से। अब ये 4N+2 का क्या मतलब है, ये दिख रहा है आप लोग को, 4N+2 साइक्लो एडिशन। देखो हम लोग कंजुगेटेड डाइन्स यूज कर रहे थे ना, कंजुगेटेड डाइन्स, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, चार ना, चार पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड डाइनोफाइल्स में कितना था सर, डाइनोफाइल्स में दो था, इसलिए हम ऐसे वाले को हम क्या बोल रहे हैं सर, 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन, ठीक है, 4+2 साइक्लो एडिशन। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सब 4+2 साइक्लो एडिशन था, रिपीट करना इसको रिपीट करूं ये इसको। मेरे क्या आवाज रही है कि 4N+2 क्या बोला आपने? हाँ, देखो यहाँ पर जो डाइन्स था ना अपना, डाइन्स में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डाइन्स में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो यहाँ था, पाई बॉन्ड दो है तो पाई इलेक्ट्रॉन चार होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डाइनोफाइल्स में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड थे तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसी से अपने इसको बोल दिया 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन, यहाँ पे ओनली पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ओनली पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको 4+2 साइक्लो एडिशन बोल दिया, है ना। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, हमने तो ऐसे ही इसको वहां वहां शिफ्ट कर दिया, अब चूंकि वो रिएक्शंस मैंने पहले ही बोला कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या तो थर्मल होगा या फिर फोटोकेमिकल होगा, तो अब यहाँ से डिफरेंशिएट करना चालू करो, अगर 4N+2 सिस्टम रहा, 4N+2 सिस्टम रहा तो थर्मल रिएक्शन होगा, अगर 4N सिस्टम रहा, 4N सिस्टम मतलब ऐसा, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, ये यहाँ जाएगा,
ये यहाँ आएगा और साइक्लिक ब्यूटेन, मैं पता शुरू में बताया था ना साइक्लिक ब्यूटेन वाला ऐसा रहा, तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे तभी ऐसा बनेगा। 4N+2 सिस्टम थर्मल रिएक्शन करवाना है अपने को, 4N सिस्टम फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवाना है आपको। अब एक टेबल होगा इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक में, आई थिंक आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। ये कुछ बोल रहे हो शुभेंदु, पीएचडी ट्रिक क्या था? वॉइस आपका सर, क्लियर नहीं आ रहा पीएचडी है। ट्रिक था राम वहां पे, मतलब राम फोन रोटेट। अगेन बताओ। यस सर, वहां पे सर कोन रोटेशन और डिस रोटेशन था, हाँ हाँ तो कौन उस रोटेट और टाइम डिस रोटेट पीएचडी कराना है एक अभी टेबल में बताऊंगा। एक टेबल आएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक में, वहां पे देख लेंगे एक साथ कब कौन रोटेशन होगा कब डिस रोटेशन होगा। ठीक है वहाँ पे सर आप एक ट्रिक्स बोला था ना, पीएचडी मतलब फोटोकेमिकल में डिस रोटेशन होगा तो 4N में। मैं आपको पढ़ाया हूँ ना, इन लोग को मैं पढ़ाऊंगा वो टेबल, अभी आगे है। ठीक है वो यस ट्रिक्स सर। यहाँ भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें एंडो और एक्सो क्या है? कहाँ पे? हाँ जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है तो उसमें एंडो और एक्सो करके कुछ होता है कि एंडो अंदर और एक्सो बाहर, एंडो उसके प्रोडक्ट बेस ही, पे फिर कोई एंडो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही जनरली बनता है, बनता है एक्चुअल जिसकी प्रोडक्ट स्टीरियो बनता है। केमिस्ट्री। हाँ, एंडो प्रोडक्ट ही जनरली बनता है यहाँ पे, साइक्लिक रिंग बनता है ना इसलिए। हमेशा मतलब एंडो ही बनेगा, एक्सो नहीं जनरली बनेगा। एंडो ही बनता है, एक्सो कब बनता है थोड़ा बताइए। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में साइक्लिक रिंग ही बनता है ना। सर साइक्लो एडिशन में आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है एंडो एक्सो का तो। आप जो बोल एक बार भेजना अगर ऐसा कोई है क्वेश्चंस आपके पास तो देखते हैं उसको। ठीक है आज की क्लास के लिए इतना ही मुझे रहने वो देते हैं। डाउट था पहले से ही। हाँ ठीक, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक और जो सिग्मा ट्रॉपिक बचा उसको करते हैं। ठीक है।